हाँ जी, तो नमस्कार सभी दोस्तों को, आज फिर से स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल मेडी वीक में। तो दोस्तों मेरा नाम है रोहित, आज हम दोस्तों आपको जानकारी देंगे मिकासिन 500 mg इंजेक्शन के बारे में। दोस्तों हम आज का आपको वीडियो में बताएंगे इसके उपयोग के बारे में, फायदों के बारे में, प्राइस के बारे में, किस कंपनी द्वारा यह बनाया जाता है और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो हम आपको देंगे इस इंजेक्शन के बारे में। तो दोस्तों वीडियो को जो है जल्दी से लाइक कर लीजिए और चैनल को दोस्तों कर लीजिए प्लीज़ सब्सक्राइब। तो दोस्तों आप लोग, मैंने देखा था कि आप लोग वीडियोस वगैरह देख लेते हो, व्यू तो अच्छे आ जाते हैं पर सब्सक्राइबर्स ज़्यादा नहीं आ रहे कि आप लोग वीडियोस देख लेते हो पर सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को जरूर कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इसकी प्राइस की। तो दोस्तों मिकासिन 500 mg इंजेक्शन का प्राइस जो है 113 रुपये है 2 ml की पैकिंग का इंजेक्शन का। ओके, 113 रुपये 2 ml की पैकिंग है इसका प्राइस है और इसको अरिस्टो फार्मास्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा दोस्तों बनाया जाता है। और इस इंजेक्शन में दोस्तों सॉल्ट कंटेन है अमिकासिन 500 mg 500 mg दोस्तों सॉल्ट जो है मिकासिन इसमें डाला गया है, मिकासिन इंजेक्शन में है। और इसका उपयोग जो है दोस्तों किस बीमारी में किया जाता है, तो चलिए इसके बारे में आपको बताते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लो दोस्तों, जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, फिर करते हैं वीडियो को आगे। तो दोस्तों इसका उपयोग जो है दोस्तों जीवाणु संक्रमण, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो हो जाती है हमारी बॉडी में, उसको ठीक करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। मिकासिन 500 mg इंजेक्शन जो है दोस्तों एक एंटीबायोटिक दवा है इंजेक्शन के रूप में, जो हमारे शरीर में संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। इसे अक्सर डॉक्टर या नर्स द्वारा हमारी नस या मांसपेशियों में इंजेक्ट किया जाता है। इस दवा का उपयोग कई अलग अलग प्रकार के संक्रमणों में किया जाता है, जैसे कि दोस्तों मूत्रपथ, हड्डियों और जोड़ों, फेफड़ों, दिमाग, खून और कुछ अन्य के इलाज के लिए इस इंजेक्शन का उपयोग है दोस्तों किया जाता है। यह दवा आमतौर पर आपको कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस कराती है। अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए इसे अपने डॉक्टर के निर्देशों का सावधानीपूर्वक दोस्तों में पालन करना चाहिए। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मिकासिन 500 mg इंजेक्शन के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो दोस्तों साइड इफेक्ट्स की बात किया तो दोस्तों इसमें शामिल है रक्त में यूरिया का बढ़ना और इंजेक्शन वाली जगह पर प्रतिक्रियाएं होना, जैसे कि दर्द, सूजन, लालिमा वगैरह हो जाना। ओके, तो इनमें से दोस्तों अधिकांश दुष्प्रभावों के लिए किसी चिकित्सा देखभाल की आवश्यकता नहीं होती है और जैसे ही आपका शरीर दवा के साथ तालमेल बिठा लेता है तो साइड इफेक्ट्स भी अपने आप समाप्त हो जाते हैं। यदि ये लंबे समय तक बने रहे, आपकी बॉडी में लंबे समय तक आपको परेशान करें, तो आपको अपने डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वीडियो में बात करते हैं मिकासिन 500 mg इंजेक्शन कैसे काम करता है हमारी बॉडी में। तो दोस्तों यह एक एंटीबायोटिक इंजेक्शन है, यह महत्वपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए बैक्टीरिया द्वारा आवश्यक प्रोटीन जो होता है उसके संलक्षण को रोककर बैक्टीरिया के विकास को रोकता है। तो इस प्रकार यह हमारी बॉडी में काम करता है मिकासिन 500 mg इंजेक्शन। और दोस्तों बात करते हैं कि उच्च खुराक जो है, ये 500 mg खुराक जो है दोस्तों कुछ रोगियों के लिए संतुलन विकार हो सकती है, मतलब कि उनके सेट नहीं बैठ सकते उनके खुराक। हाई डोज जो है इसमें दोस्तों गुर्दे की हानि वगैरह हो सकती है और सुनने की हानि भी विकसित हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों कृपया इस दवा का उपयोग करते समय अपने डॉक्टर द्वारा दी गई सभी निर्देशों का पालन जो है हमें करना चाहिए। आपका डॉक्टर उपचार के दौरान नियमित आपका किडनी फंक्शन टेस्ट वगैरह करा सकते हैं, यूरिन टेस्ट वगैरह भी आपका करवा सकते हैं। तो दोस्तों इन सब चीज़ों का जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि हाई डोज आपको सेट बैठेगी भी या फिर नहीं। आगे बात करते हैं दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान उपयोग के लिए इस दवा की अनुशंसा नहीं दी जाती। तो दोस्तों उपयोग गर्भावस्था, जब प्रेगनेंसी हो तो इस दवा का उपयोग है दोस्तों हमें नहीं करना चाहिए। यदि आप गर्भवती हैं, गर्भधारण की योजना बना रही हैं या फिर स्तनपान करा रही हैं अपने बच्चे को, तो डॉक्टर को जरूर सूचित करें ये इंजेक्शन लगवाने से पहले। तो ये थी जानकारी दोस्तों मिकासिन 500 mg इंजेक्शन के बारे में। अगर आपको जानकारी समझ आई, आसान भाषा थी बिल्कुल, तो दोस्तों वीडियो को जल्दी से लाइक कर लो और चैनल को दोस्तों प्लीज़ कर लीजिए सब्सक्राइब। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और नई ऐसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।